प्रोटीन को ऐड करते हो। देखिए ये आपका एक स्कूप, ये मैंने थोड़ा हिपिंग स्कूप लिया, ठीक है। अभी देखिए, अभी देखिए थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर हो रहा है क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर है, तो इसके लिए ऐसा ही कलर होता है। अभी इसका मिक्सिबिलिटी इतना अच्छा है कि जस्ट मैं 10 सेकंड इसको शेक करूंगा। 1 2 हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड फिट लैब। मेरा नाम है अभिजीत और आज आप लोगों को, आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर बेस करके ही मैं एक प्रोटीन आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ जो है आपका एक्सेलरेट का वे प्रोटीन कंसेंट्रेट। मेरे पास जो क्वेश्चन आ रहा था कि कौन सा फ्लेवर वे प्रोटीन बजट के अंदर 1000-1200 इसके अंदर आते हैं वो हम लोग को बताइए। तो मार्केट में बहुत सारा वे प्रोटीन है, अभी वे प्रोटीन का दाम भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बट एक्सेलरेट सिक्स पैक का जो ये कंपनी है, ये जो वे प्रोटीन बेच रहे हैं अभी भी मार्केट में सेम प्राइस में ये लोग प्रोडक्ट को बेच रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल चॉकलेट फ्लेवर में एक वे प्रोटीन, मतलब एक्सेलरेट का एक रिव्यू ऑलरेडी मैंने डाल चुका था मेरे चैनल पे। तो ये प्रोटीन को लेकर कोई डाउट नहीं है कि प्रोटीन एकदम अच्छा है, जेन्युइन है। प्रोटीन का जो रेशियो ये लोग मेंशन करते हैं, लैब रिपोर्ट अगर देखोगे उसमें भी वो सेम आते। बट कुछ चीज आप लोगों को बोलना है कि एक्सेलरेट कंपनी अभी फिलहाल दो नया फ्लेवर लॉन्च किया जो है मैंगो फ्लेवर और उसके साथ साथ एक है पीना कोलाडा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये जो है ये ऑलरेडी मैं यूज कर चुका हूं और थोड़ा बहुत बाकी है खत्म होने में और इसको मैंने अभी तक यूज नहीं किया। ये फ्लेवर ये एकदम न्यू फ्लेवर है तो ये अभी तक मैंने यूज नहीं किया और बार बार जब हम लोग चॉकलेट फ्लेवर यूज करते तो थोड़ा बोर हो जाते। इसके लिए मैंने दो अलग अलग फ्लेवर मैं ट्राई कर रहा हूं ताकि थोड़ा जो एक चीज बार बार यूज करने का जो इफेक्ट है वो उससे थोड़ा बाहर आ सकूं। तो ये कोई प्रोमोशनल नहीं है कि मैं प्रोमोट कर रहा हूं ये एक्सेलरेट को, बट एक अच्छा प्रोडक्ट कम प्राइस में मार्केट में अवेलेबल है उसका अवेयरनेस आप लोगों को मैं दे रहा हूं ताकि आप लोग भी प्रोडक्ट के बारे में जानिए। क्योंकि बाकी बहुत सारा प्रोडक्ट है बहुत प्राइस में, सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट है बहुत सारा प्राइस में मार्केट में बिक रहा है। तो अभी थोड़ा बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट का खासियत क्या है। ये कंसेंट्रेट प्रोटीन है और उसके साथ साथ ये फ्लेवर्ड में आते हैं, ठीक है। इसमें फ्लेवर भी ये लोग ऐड कर दिया है। अभी इसमें 5-6 फ्लेवर ऑनलाइन में अवेलेबल है, अमेजन पे आप लोग को मिल जाएगा। प्रोटीन ये लोग सर्व करते हैं 24 ग्राम्स का और 5.4 ग्राम्स का BCAA ये लोग सर्व करते हैं। अगर आप लोग बोले कि सर्विंग साइज कितना है तो सर्विंग साइज इसका जो है आपका 34 ग्राम्स का स्कूप साइज है। तो स्कूप एक बार आप लोग को दिखाता हूं, यह है 34 ग्राम्स का स्कूप साइज। अगर आप इसका वेट करोगे आप खुद कर सकते हो, इसका वेट एग्जैक्टली 34 ग्राम्स आपका आएगा। और ये लोग जो क्लेम करते हैं ना जो प्रोटीन का जो मात्रा है, मतलब एक सर्विंग में 24 ग्राम्स, ये भी एग्जैक्टली आता है। अभी एक चीज आप लोग को बोल देता हूं कि मैंने बहुत सारा वे प्रोटीन लास्ट टाइम ट्राई किया, मसल बेस ट्राई किया, अवतार ट्राई किया, ये सारा प्रोटीन बहुत अच्छा है, मैं नो डाउट ये बहुत अच्छा है। बट जब बजट का बात आते हैं, जब बजट आ जाता है ना, कभी कभी होता है कि हम लोग को बजट के अंदर प्रोटीन चाहिए, उतना एफोर्ड हम लोग नहीं कर पाते। तो इसका जो प्राइस है मार्केट में ये 1100-1200 के बीच में ऑनलाइन में अमेजन में आपको हमेशा मिल जाएगा। और इसका प्राइस जो है, ये सब रोय प्रोटीन का प्राइस थोड़ा बहुत ज्यादा हुआ है बट इसका प्राइस एकदम ही ज्यादा नहीं हुआ, सेम प्राइस में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये 1 kg का नहीं है, ये 908 ग्राम का है, मतलब 2 lbs का है। एग्जैक्टली 1 kg का नहीं है बट फिर भी इसका जो सर्विंग साइज है, सर्विंग जो है वो 26, आपका एक महीना आराम से निकल जाएगा अगर आप एक स्कूप करके इसको खाते हो। और ये जो है ये पीना कोलाडा, ये अभी तक मैंने इसका सील जो है ये ओपन नहीं किया। तो गाइस मैं आप लोग को बोलता हूं कि अगर आप लोगों को गोल, मतलब आपका गोल है कि फिट रहना है, आप लोगों का गोल है कि आपको जिम जाना है, बॉडी बिल्ड करना है, लीन मास गेन करना है, तो ये सब प्रोटीन बहुत अच्छा है, सिक्स पैक बहुत नाम अच्छा है मार्केट में, ये प्रोटीन आप लोग यूज कर सकते हो। मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ब्लोटिंग साइड इफेक्ट कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ प्रोटीन इसमें दिया हुआ है जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए। मैं यूज कर रहा हूँ सिक्स पैक न्यूट्रिशन, मैं यूज कर रहा हूँ ये दोनों मिला के ऑलमोस्ट मेरा 9-10 टोटल ऐसे बॉक्स मैंने यूज कर लिया ओवरऑल। तो बहुत अच्छा प्रोटीन है, मैंने चॉकलेट ज्यादातर यूज किया
और ये तो मार्केट में नया है इसलिए मैंने दोनों अलग अलग फ्लेवर इसका खरीद लिया। सबसे बढ़िया बात है कि इसका मिक्सिबिलिटी, तो अगर मैं आपको एक बार दिखाऊं कि मिक्सिबिलिटी कैसा है तो आप लोग देख लीजिए। गाइस यहाँ पे मैंने 200 ml पानी ले लिया, आप लोग देख पा रहे हो। अभी इसमें मैं एक स्कूप ये व्हे प्रोटीन को ऐड करता हूं, देखिए। ये आपका एक स्कूप, ये मैंने थोड़ा हिपिंग स्कूप लिया, ठीक है। अभी देखिए थोड़ा ऑरेंज ऑरेंज कलर हो रहा है क्योंकि ये मैंगो फ्लेवर है तो इसके लिए ऐसा ही कलर होता है। अभी इसका मिक्सिबिलिटी इतना अच्छा है कि जस्ट मैं 10 सेकंड इसको शेक करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए एकदम मिक्स हो गया, प्रॉपर मिक्स हुआ है। देखिए एक बार मैं ओपन करके भी दिखाता हूं आप लोगों को, आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं पता नहीं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूं। और एक चीज बहुत बढ़िया है कि इसमें जो झाग आता है ना, झाग जो होता है वो ज्यादा नहीं आता है, जो एक व्हे प्रोटीन का पहचान है। अगर व्हे प्रोटीन में झाग ज्यादा है तर, मतलब उसमें मेल्टोडेक्सट्रिन ये सब अलग से कुछ ऐड किया गया जिसके लिए उतना ज्यादा झाग आ रहा है। तो चलिए इसका टेस्ट कर लेते कि टेस्ट इसका कैसा है। इसका जो टेस्ट है, आपका स्वीटनर इसमें बहुत कम लगेगा, मैंगो का जो फ्लेवर है वो एग्जैक्टली, जैसे कि अगर मिल्क में आप रॉ मैंगो देके शेक करके आप पीते हो एग्जैक्टली वैसा फील होगा। तो ये वाला जो है पीना कोलाडा, इसका अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, तो डेफिनेटली मैं इसका ट्राई करूंगा और फीडबैक भी इसके बारे में भी मैं मेरा जो चैनल है यहाँ पे डाल दूंगा। तो यही था, यही आपको बोलना था कि प्रोटीन बहुत सारा है मार्केट में, आप लोग को चुनना है कि कौन सा लेना है। हाई प्राइस में आपको प्रोटीन लेने का कोई जरूरत नहीं, इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा अच्छा प्रोटीन अभी मिलता है, जैसे कि आपका एक्सेलरेट आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आपका लीन मास गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।